स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने गुरुवार को देश की महत्वाकांक्षी और पहले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में निर्मित होने वाला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अनोखा भी है और ऐतिहासिक भी। ये प्रथम और देश के सबसे बड़े तथा विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। क्या कुछ कहा मंत्री राकेश शुक्ला ने, सुनिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री विभाग मंत्री राकेश शुक्ला ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया। 278 मेगावाट काम पूरा हुआ। प्लांट पूर्ण स्वदेशी है, इंदौर में मैन्युफैक्चर हुआ और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 50% ग्रीन एनर्जी से बिजली उत्पादन हो इसका प्रयास होगा। इंदिरा सागर बांध पर प्रोजेक्ट चालू होगा। सोलर को फ्लोटिंग क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम हर क्षेत्र में काम कर रहा है। भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन किए और उसके बाद जो हमारा फ्लोटिंग का सोलर प्लांट है उसको देखने गए। वहाँ जाके अभी प्रथम चरण में 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है और बिजली वहाँ से सप्लाई होने लगी है। वहाँ पर 530 मेगावाट का लक्ष्य है जिस पर काम जारी है। हमारे लिए खुशी की बात यह है, मध्य प्रदेश के लिए, हम सब के लिए, कि वो प्लांट पूर्ण स्वदेशी है और उसका पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो इंदौर में हुई। इंदौर से सारा मैन्युफैक्चर होके वहाँ पर काम चल रहा है। विश्व के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% ग्रीन एनर्जी से, अच्छे ऊर्जा से, किसी तरीके से बिजली का हिस्सा बने इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।